ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने जिस ब्यूटीफुल प्लांट से मिला रही हूँ वो ये है वेरीगेटेड लकी बैम्बू। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और एज़ पर वास्तु दिस प्लांट इज़ वेरी लकी। और सबको अपने घर में ये जो प्लांट है ये रखना चाहिए। इसमें एक ग्रीन कलर में भी आता है, और ये वेरीगेटेड जो है ये भी बहुत सुंदर दिखता है। ये जो प्लांट है ये बैम्बू प्लांट की जो कैटेगरी की ही एक वैरायटी है, और इसको हम लोग पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। पानी में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और जैसे ये आप मेरा प्लांट देख पा रहे हैं, सॉइल में भी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। इसके जो लीव्स का कलर देखिए फ्रेंड्स, वेरीगेटेड बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये प्लांट जो है इसको अगर जैसे आपने पानी में लगाना है तो उसको जैसे बॉटल में पानी आपने डाला है तो उसको हर वीक आपको चेंज करते रहना चाहिए, और उसको नया पानी डाल के फिर ये रखना चाहिए, जिससे ये जो प्लांट में फंगस वगैरह के लगने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इसी प्लांट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, टिप्स हैं, वो शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो प्लांट को अपनी जो सॉइल है वो मॉइस्ट पसंद है, मींस इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। और इसके आसपास जो है जितने भी प्लांट्स हैं उनमें नमी होनी चाहिए, मतलब इसको जो नमी है वो बहुत पसंद है इस प्लांट को। तो इसके लिए आपने जो मिट्टी तैयार करनी है, सबसे पहले तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मिट्टी इस प्लांट के लिए आपने जो जिसमें इस प्लांट को आपने रिपोर्ट करना है उसको, उसमें आपने 40% गार्डन सोइल रखनी है, उसमें 20% कोकोपीट डालनी है, 30% उसमें आपने कंपोस्ट डालनी है, और 10% उसमें सैंड डालनी है। कोकोपीट डालने का रीज़न है कि इस प्लांट को अपनी मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहना पसंद है, तो इसलिए कोकोपीट जो होती है वो आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो वो मिट्टी को मॉइस्ट रखती है, तो इसलिए इसमें कोकोपीट डाली जाती है। तो इस मिट्टी में इस प्लांट को आपको रिपोर्ट करना है। ये मिट्टी वेल ड्रेन होगी, और इसमें हल्का हल्का सा, जैसे इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है तो वो रहेगा, तो ये प्लांट है इसको जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। बात की जाए इसकी अगर वाटर की, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि इस प्लांट को मॉइस्ट जो एटमॉस्फेयर है वो पसंद है, कि इसकी मिट्टी में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नमी बनी रहे, इसके आसपास थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो, मॉइस्ट हो, तो इसको वो अच्छा लगता है। तो पानी आपने जब भी इसको देना है तो आपको इसकी जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो एक बार चेक कर लेनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सोगी है, गीली है, तो आपने इसको पानी नहीं देना है। अगर वो ड्राई है तो इसको पानी देना है। वैसे जैसे समर्स में आपने क्या करना है, इसमें एक दिन पानी इसमें डालना है और एक दिन इसमें आप अच्छे से मिस्टिंग कर दें इस प्लांट को। तो वेदर जैसे चेंज होता है आपका, विंटर्स में इसको जब भी आपने पानी देना है तो इसकी जो मिट्टी है वो एक बार आप चेक कर ले, उसको चेक करके तभी पानी दें। और इस प्लांट को जगह कैसी पसंद है, इसको ऐसी जगह रखना चाहिए यहाँ पे सुबह की आधे घंटे की हल्की हल्की छनके इसको धूप मिलती रहे, और पूरे दिन की ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। जैसे फ्रेंड्स मेरा प्लांट देखिए, इधर धूप है और ये इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिल रही है, इसको सुबह की धूप इस साइड से, इसको सुबह की धूप जब वो छन के मिलती है, और ये वैसे पूरे दिन की इसको जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मिलती है। तो इससे क्या होगा, इसको धूप देने का जो एक फ़ायदा ये होता है कि इसके जो लीव्स में जो वेरिएशन है वो तभी आएगा अगर इसको प्रॉपर लाइट मिलेगी। अगर इसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो ये इतना सुंदर जो इसके लीव्स में वेरिएशन है, वेरिएशन नहीं आएगा, वो ऐसे ग्रीन हो जाएंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं नीचे इसको, जो इसकी लीव्स हैं इसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही, तो ये जैसे प्लांट्स के बीच छुपा है ये,
तो वो कलर है वो जो ग्रीन है, और यहाँ पे इसको अच्छे से लाइट मिल रही है, उसमें जो लीव्स का कलर है वो दो शेड्स में है। तो आपने इसकी जो प्ले जहाँ पे इसको प्लेस करना है वो जगह भी ऐसी रखनी है। और फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को जैसे ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इसमें आप जैसे बाकी प्लांट्स को वो साल में 3 बार बर्मी कंपोस्ट और कोडंग मैन्योर देते हो, तो इसको आपने दे देना है। या फिर गर्मियों में इसको वो जो कोडंग का लिक्विड चाय बनाते हैं हम लोग, इनके लिए वो दे दें तो इस प्लांट के लिए काफ़ी है। और बात की जाए इन्फेस्टेशन की, तो इस प्लांट में किसी तरह का कोई इंसेक्ट्स वगैरह का, पेस्ट वगैरह का कोई ऐसे खतरा होता नहीं है, बट बट इसमें इसमें जो जो मेन प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स वो आती है फंगस की। अगर इसमें हमने ज़्यादा पानी डाल दिया है और या फिर थोड़ा कम पानी हो गया है, ज़्यादा पानी, मोस्टली ज़्यादा पानी से इसकी जो नीचे रूट्स में फंगस लग जाते हैं जिससे ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने क्या करना है, हर महीने इसमें जो फंगीसाइड पाउडर आता है उसको थोड़े से पानी में घोल के इस के जो पॉट में आप डाल दें, तो उसमें जो फंगस का खतरा भी नहीं रहता है। और फ्रेंड्स बात की जाए अगर इसकी प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन इसका दो तरह से होता है। एक तो जैसे नीचे से ये बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई आपने अभी नहीं करना है, मल्टीप्लाई आपने इसको जब वो रेनी सीजन होता है ना बरसातें, तब करना है, जब जैसे 2-3 दिन की लगातार जो बारिश होती है और जो वेदर है, जो आसपास का एटमोसफेयर है वो एकदम मॉइस्ट होता है, आसपास मॉइस्चर मिलता है प्लांट को, तब इसको आपने डिवाइड करना है। तब इसकी जो जब आप डिवाइड करके किसी दूसरे गमले में लगाओगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। और उसमें इसकी जो दूसरा जो कार जो तरीका है वो इसकी कटिंग भी लग जाती है। कटिंग भी फ्रेंड्स आपने तभी लगानी है रेनी सीजन में, जैसे आप उस टाइम इसको जैसे एक इसकी ब्रांच काट के किसी भी पॉट में लगा दोगे तो जो आपकी कटिंग है वो भी तैयार हो जाएगी। दो तरीकों से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। और बाकी फ्रेंड्स इसके जो ये जो प्लांट है ये बहुत सुंदर दिखता है, इसकी ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप इसकी पानी की इसकी मिट्टी और इसकी लोकेशन का ध्यान रखोगे तो ये पौधा कभी ख़राब नहीं होता है, ये पौधा सालों साल आपका चलता है। और आपकी जैसे प्लांट्स की कलेक्शन में देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे कितना सुंदर लग रहा है, ये चार चांद लगा रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो आप ही अपनी कलेक्शन में इस प्लांट को शामिल कीजिए, और एक तो ये सुंदर लगता है, दूसरा ये एज पर वास्तु आपके घर के लिए भी लकी होता है, इसलिए ये प्लांट आपको लगाना चाहिए। मेरे पास एक इसका जो ग्रीन जो सिंगल शेड में आता है वो नहीं है, वो भी मैं लाऊंगी, वो भी इनमें इसके साथ रखूंगी। और फ्रेंड्स इस प्लांट के लिए बस यही, अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और प्लांट की कोई और बात शेयर करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।